कुछ गड़बड़ है, पूरे शहर में नाकाबंदी है। डील की मां चुत गई है। टायलर, टायलर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। वो लौंडा चलती फिरती लाश के अलावा और कुछ नहीं, कोई तरीका। ओ भाई मारो मुझे, नहीं मुझे मारो। क्या ट्रेलर था यार, 7 से 8 बार देख लिया। पहली बार लाइव देखा, फिर उसके बाद डाउनलोड करके 7 बार देखा इस ट्रेलर को। गाइस यकीन नहीं मानोगे, मजा आ गया। सबसे ज्यादा पहले तो उसमें थॉर है, क्रिस हेम्सवर्थ, मैं उनका बिगेस्ट फैन हूँ। और ऊपर से अगर किसी हीरो को एक्शन में देखना है, सुपर हीरो को, तो भाई 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर एस्ट्रा एक्शन। अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो जाके देखो, हिंदी में रिलीज होगी, हिंदी में ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, मेरे टेलीग्राम पे देखने को आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके जो सीन थे, इसके जो डायलॉग थे, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि क्या स्थिति होने वाली है। और इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि 24 अप्रैल को नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा व्यू कमाने वाली मूवी होगी। जी हाँ, व्यू के मामले में। और तो और मेरे को लग रहा है कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होगी। और पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स शायद आगे जाके फ्यूचर में फैसला ले कि भी और भी इंडियंस को लेकर, कंटेंट को लेकर मूवीज़ बनाए। तो बात करते हैं इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसकी स्टोरी क्या होगी। जो मेरे को पर्सनली लगता है कि इसमें 2 ड्रग माफिया है, एक बांग्लादेश का, एक इंडिया का, जिसमें कि बांग्लादेश के ड्रग माफिया के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है इंडिया के ड्रग माफिया द्वारा। वो होते हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि जेल में, उन्होंने जेल में बैठे बैठे ये सारा काम करवाया। और तो और फिर बांग्लादेश का जो ड्रग माफिया होता है, वो एक सिपाही को हायर करता है, जिसे कह सकते हैं मुंबई लैंग्वेज में भाड़े के टट्टू को, और वो इस लड़के को छुड़ाने जाता है इंडिया में। बट डील कैंसिल हो जाती है और बीच में एक इमोशनल सीन आता है और वो लड़का कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड, मतलब दिल से कनेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद एक्शन स्टार्ट होता है और वो बिना पैसे के लिए उस लड़के को बचाता है, सिर्फ एक इमोशनल सीन के लिए। तो गाइस स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है और सीन, डायलॉग, हर चीज़ काफ़ी कमाल की। और इंडिया में हेलीकॉप्टर वाला शूट कब हुआ था मुझे तो ये भी नहीं पता। और हाँ, रणदीप हुड्डा, पंकज त्रिपाठी, डेविड हार्बर, इनके सीन देख के तो गाइस मज़ा आ गया। और तो और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वो बिहाइंड द सीन देखना है रणदीप हुड्डा वाला और क्रिस हेम्सवर्थ का, तो आपको मेरे टिकटॉक पे मिल जाएगा। जी हाँ, आर्यन गोस्वामी के नाम से मेरी टिकटॉक आईडी, आप जाके सर्च मारो, आपको बिहाइंड द सीन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉलो करो, बस वो देखो, आपको लगेगा कि हाँ यार, एक्चुअल में मूवी में क्या दिखने वाला है। तो गाइस रियली मज़ा आ गया ट्रेलर देख के। और आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, अगर देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और जिसको हिंदी में देखना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का, जाके हिंदी में ट्रेलर देखो, बहुत ही ज़्यादा कमाल का और डायलॉग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।